नालागढ़ के ब्राह्मण माजरा में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री का केमिकल युक्त गंदा पानी पीने के कारण 13 पशुओं की मौत हो गई। आरोप है कि शनिवार को देर रात को फैक्ट्री प्रबंधक ने केमिकल युक्त गंदा पानी खुले आम नाले में छोड़ दिया और जंगल से चलती चलती बकरियों ने जहरीला पानी पी लिया और सभी बकरियों की आधे घंटे के बाद ही मौत हो गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पशुओं की मौत से किसानों का लाखों का नुकसान हो गया है, क्योंकि किसानों के लिए उनके पशु उनके धन के बराबर होते हैं और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इन पशुओं का दूध भी वो बेचते हैं, इन पशुओं की ऊन भी बेचते हैं, जिससे उनका घर चलता है। ऐसे में इनके पशुओं की मौत इन किसानों के लिए आर्थिक और मानसिक दोनों तरीके का घाटा लेकर आई है। साथ ही लोगों ने अब फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है, नारेबाजी की है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस घटना से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री से पानी छोड़ा गया था खुले नाले में, जंगल में घूमने गई बकरियों ने ये पानी पी लिया, जिसके आधे घंटे बाद इन बकरियों की मौत हो गई और इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। इन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है, किसानों ने नारेबाजी की है, साथ ही फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी की भी मांग इन लोगों ने उठाई है। पशुधन किसानों के लिए बहुत अहम होता है, उनकी रोजी रोटी का साधन होता है, इससे किसान काफी परेशान है।